ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਵੇ With steadfast gaze, hail Guruji, a thousand throats the slogan raise, the awful clamor rends the sky, Guruji, hail, the fetters fall and fear goes by, a thousand souls clang furiously, and Punjab echoes to the cry, Guruji, hail! Life and death are but meanest slaves. The soul is free. The day has dawned on Punjab's shores. Hail Guruji! Panch ki raat hi bakhshish karke ab talwar kharai Panch ki raat hi bakhshish karke ab talwar kharai Jal ban gaya ho sikh panth mein teri paani aayi ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਸੇ ਯਹ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ
जिस महापुरुष ने जिस वीर योद्धा ने रखी उनकी 300वीं शहीदी पर आज हम उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए और उनकी सीख को हमारे कार्यकलाप में लाने के लिए आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की एक नई शुरुआत, एक महान संगठन के रूप में उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे मालवाओं को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का निर्माण किया था। बंदा सिंह बहादुर ने भी समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक महान सैन्य शक्ति का, अपनी संगठन कौशल्य का, एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर का उन्होंने परिचय करवाया। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के है, पुर्जा पुर्जा कर मरे कभू ना छोड़े खे। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 2010 में चिपक चिड़ी के ऐतिहासिक मैदान में फतेहपुर बनवाकर बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों की शहादत को श्रद्धांजलि दी, एक बहुत ऐतिहासिक सम्मान दिया। यह फतेहपुर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दूसरे देश के हिस्सों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। पिछले एक साल में पंजाब सरकार समेत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाबा सिंह बंदा बहादुर जी के 307 शहीदी समागम मनाने के लिए कई आयोजन कर चुकी है, आगे भी कई आयोजन होने वाले हैं।